नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। भारत में बैक पेन या लोअर बैक पेन से बहुत बड़ी आबादी ग्रसित है। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस ऑफ लोअर बैक पेन, जैसे कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, न्यूट्रिशन डेफिशिएंट फूड, लॉन्ग सिटिंग आवर्स, हर्निएटेड डिस्क या ओवरग्रोथ ऑफ बोन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस वीडियो इज रियली स्पेशल फॉर मी बिकॉज फ्यू इयर्स बैक आई ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम हर्निएटेड डिस्क, बट योगा हेल्प मी टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन हीलिंग। सो आज मैं वो आसन आप सबों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिसने मुझे मेरे हर्निएटेड डिस्क को ठीक करने में बहुत हेल्प करी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन है भुजंग आसन। आप अपने मैट पे आराम से पेट के बल लेट जाएंगे। यू शुड बी केयरफुल कि आपके दोनों पंजे आपस में मिले हुए हों। आप धीरे से अपने आप को सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे। आपकी दोनों एल्बो आपके शरीर से लगी हुई हो, ग्लूट्स इंगेज, आपके ग्लूट्स इंगेज हो। इस पोस्चर में आपको 5-10 सेकेंड्स होल्ड करना है और फिर धीरे 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 वापस अपनी जगह आना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आप देखोगे कि आप अपने बॉडी को धीरे धीरे और ऊपर की ओर उठा पा रहे हो। हर्निएटेड डिस्क या लोअर बैक पेन के केस में ये बहुत ही सुंदर आसन है क्योंकि ये हमारे मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। जैसे जैसे आप कंफर्ट में आते जाएंगे, आप अपने हाथों को सीधा कर सकते हैं और धीरे से वापस। हमारा दूसरा आसन है पादंगुष्ठानासन। आप अपने मैट पे लेट जाएं, अपने घुटने को धीरे से फोल्ड करेंगे, अपने टो को पकड़ें और धीरे 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 अपने पांव को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ होल्ड करेंगे फॉर 5-10 सेकंड्स एज पर योर ओन कन्वीनियंस एंड देन स्लोली धीरे से वापस आ जाएंगे पांव को नीचे और हाथों को रेस्ट करेंगे। इसे भी 5-10 बार रिपीट करना है विद बोथ लेग्स। आज का हमारा थर्ड आसन है सुप्त वक्रासन। अपने मैट पे लेट जाएं, दोनों घुटने को फोल्ड करें, एक साथ आपस में लगाएं, दोनों हाथों को साइड में रेस्ट करें, आपकी हथेली आपके फ्लोर की तरफ। धीरे से सांस भरें, सांस छोड़ते हुए अपने पांव को घुटने को एक साइड ट्विस्ट करेंगे और आपका हेड ऑपोजिट डायरेक्शन में। सांस भरते हुए वापस आएंगे, हर साइड 5-5 सेकेंड की होल्डिंग। दूसरी साइड से रिपीट करेंगे। कोशिश करें आपका घुटना मैट से बिल्कुल लगा हुआ हो। होल्ड करें, सांस भरते हुए धीरे से वापस आ जाए। इस आसन को भी 5-10 बार रिपीट करना है। इसी सीरीज का दूसरा आसन, अपने दोनों पांव को स्ट्रेट, हाथ इसी प्रकार साइड में, आपका राइट लेग आपके लेफ्ट पांव के ऊपर। अगेन आपको ट्विस्ट करना है, जो पांव ऊपर है उसे मैट की तरफ ले जाना है, हेड ऑपोजिट डायरेक्शन में एंड होल्ड। इनहेल करते हुए वापस आ जाएं, अपने लेग को चेंज करें, एक बार फिर से एक्सहेल करते हुए आप ट्विस्ट करेंगे, होल्ड करें 5 seconds एंड स्लोली कम बैक। दोनों साइड से 5-5 टाइम्स रिपीट करेंगे। नाउ नेक्स्ट, दोनों पांव को फोल्ड करें, अपने लेफ्ट लेग के ऊपर अपने राइट लेग को इस प्रकार रखेंगे। इसके अंदर से अपने हाथों से अपने थाइस को पकड़ेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने शरीर की तरफ खींचना है आपको इस फोल्डर लेग को। यहीं पर होल्ड करेंगे और धीरे से इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। इसी प्रोसेस को दूसरे साइड से रिपीट करें, सांस भरें एंड एक्सहेल करते हुए अपने पांव को अपनी तरफ खींचेंगे, होल्ड करेंगे for 5 seconds and then slowly come back।
इन पांचों आसनों का अभ्यास आपको डेली 5 to 10 times करना है और हर बार होल्डिंग के साथ जाना है. यू कैन स्टार्ट होल्डिंग विथ 5 seconds और फिर धीरे धीरे आप अपनी होल्डिंग को भी बढ़ा सकते हैं. अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो. अपना ध्यान रखें, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी. थैंक यू.